तो ऐसा लोग भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं जिनके पास, जिनको हमको लगता है कि गठबंधन में 15 सीट मिलेगा, तो 4-5 सीट जीतने की आशा भी रखते हैं यदि वो, हालांकि जीतेंगे नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कहीं कोई एकता की बात नहीं है, विपक्षी एकता नहीं है, पंक्षी एकता है। हमको तो लगता है कि इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा। लेकिन शिक्षक समाज और जनता अब जो है संकल्पित हो चुकी है कि हर हाल में इनको नियोजित शिक्षकों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करना होगा, और वादा खिलाफी का अंजाम बुरा होगा। यदि ये वादा खिलाफी करेंगे तो आने वाला समय अच्छा नहीं है, और हर हाल में ईंट से ईंट बजाने के लोग तैयार है, जनता भी तैयार है, जान लीजिए। और ऐसा झूठा मुख्यमंत्री को तो हमने देखा ही नहीं। ऐसा लोग भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं जिनके पास, जिनको हमको लगता है कि गठबंधन में 15 सीट मिलेगा, तो 4-5 सीट जीतने की आशा भी रखते हैं यदि वो, हालांकि जीतेंगे नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कहीं कोई एकता की बात नहीं है, विपक्षी एकता नहीं है, पंक्षी चल रहा है। 12 दिन से धरना चल रहा था, आज अंतिम दिन था, तो ये उनकी जायज मांगों के लिए वो धरना दे रहे हैं। लंबे समय से सरकार ने कहा था कि उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में उनकी पार्टी थी, तो वो लोग बोले कि भाई हम चुनाव के बाद राजकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी जी तो अपने मैनिफेस्टो में छपवाए कॉलम नंबर 12 में और पूरे बिहार में इसको प्रसारित करने का काम किए कि जैसे ही चुनाव मेरा खत्म होता है तो पहला कैबिनेट में हम पहला ये प्रस्ताव लाएंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, और जितने भी हमारे बीच में नियोजित शिक्षक हैं, पुरस्कार अध्यक्ष हैं, उनको हम जो है राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब जब सुपर सीएम के रूप में वो बैठ गए हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो अपने वादा को क्यों भूल गए? हमारा कहना है कि आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं जनता के साथ, आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के साथ, तो जनता भी इस बात को जानती है कि कैसे वादा खिलाफी करने वालों को जवाब देना है। आप जान लीजिए कि अभी आने वाला समय जो है ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी जो व्यवस्था में लोग हैं। आप ये जो आप कर रहे हैं, आप यदि कोई संदेश देते हैं समाज में कोई और कोई वादा करते हैं तो उसको निभाने का भी काम कीजिए। और हमको तो लगता है कि इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा। अभी आप देखे होंगे कि बिहार का जो शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 आया, तो उसमें उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने अपने घटक दल के सभी नेताओं से चर्चा किया, और सभी घटक दलों से चर्चा करके तब जाके हमने ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हैं, सभी को राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा बीपीएससी का। हम ये और तुरंत ही उसका खंडन किया नीतीश कुमार के इन बातों का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। आप देखे होंगे जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा था कि भाई हमसे तो कोई पूछा नहीं गया और किसी घटक दल से माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं पूछा। तो इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा जो है पूरे हिंदुस्तान में बनाकर इन्होंने रखा है, और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, पूरा हेलीकॉप्टर से दिन भर घूमते हैं, बिहार में कोई चिंता ही नहीं है शिक्षकों का, शिक्षक लोग रोड पर हैं, अभी पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इनकी कोई चिंता नहीं है इनको। आप जान लीजिए कि ये धरना जो है उनकी जायज मांगों के लिए थी, और हम लोग उनके पूरी तरह से साथ हैं, और राजकर्मी का दर्जा उनको हर हाल में देना होगा, चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, और उनको हर हाल में राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा, जान लीजिए आप। इतने विरोध के बीच भी उन्होंने नई शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जान लीजिए कि विरोध के बीच जो जारी किया है, तो ये जो है आप कहीं ना कहीं उनके पदाधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसको हम बैक कैसे ले, और उनको लग गया है, और नहीं लगता तो चिट्ठी नहीं निकालते। ये जो है लोकतंत्र की हत्या करने वाली चिट्ठी निकाली है, इमरजेंसी लागू करने वाली जो चिट्ठी निकाली है वो क्या था? आप जो धरना पर जाएंगे हम पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स का हनन करने का आपका अधिकार ही नहीं है पूरे देश में, किसी को नहीं है, तो आप कैसे फंडामेंटल राइट्स का हनन कीजिएगा? आप कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं निकाल सकते हैं, आर्टिकल 20 का उल्लंघन है, कोई ऐसी चीज को जारी नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी भी आदमी का एक्सप्रेशन का अधिकार खत्म हो जाए, और कोई भी ऐसा नियम नहीं मानते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 20 का ये उल्लंघन करके आप इस देश में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। और शिक्षक समाज भी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं इस बात को, कानून में कहीं भी आपको राहत नहीं मिलेगा, और ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है। लेकिन शिक्षक समाज और जनता अब जो है संकल्पित हो चुकी है कि हर हाल में इनको नियोजित शिक्षकों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करना होगा, और वादा खिलाफी का अंजाम बुरा होगा। यदि ये वादा खिलाफी करेंगे तो आने वाला समय अच्छा नहीं है, और हर हाल में ईंट से ईंट बजाने के लोग तैयार हैं, जनता भी तैयार है, जान लीजिए। और ऐसा झूठा मुख्यमंत्री को तो हमने देखा ही नहीं, और हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह का झूठ नहीं प्रसारित करें। आप ही के घटक दल के लोग जो है कहते हैं कि हमसे कहां पूछा गया, सीपीआई के लोग हैं, माले के लोग हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि सही में कांग्रेस के लोग, माले के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के समर्थन में हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे थोड़ी हिम्मत कीजिए आप, और सरकार को ये कहिए, मीडिया में जाइए और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि हम शिक्षकों के हित में हम बात कर रहे हैं,
और यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी तो हम अपना समर्थन वापस लेंगे। यदि सही में ऐसा चाहते हैं, शिक्षकों का ही चाहते हैं समर्थन ये घटक दल के लोग, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी करें, न कि वहां राजनीति करें। हमारा उनसे आग्रह है और शिक्षकों के समर्थन में खड़े होकर रोड पर उतरे, हमारे साथ धरने पर आए, हम उनका स्वागत करेंगे और बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा समाज में। कई बार विपक्षी एकता की बात हुई है, लेकिन हमको लगता है कि विपक्षी एकता नहीं है, पंछी एकता की बात हो रही है। सब लोग दाना चुगने के चक्कर में हैं और सब लोग इस प्रयास में हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन बनेगा में सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कैसे बने। तो ये सारे पंछी लोग एक साथ बैठ के, ये आप सोचिए कि कभी एक हो सकते हैं। सब लोग इसी प्रयास में लगातार हैं, इसी तरह से दूसरे को मना लें और हम प्रधानमंत्री का अपने आप को घोषणा करवा लें। ये यही बात है मोटा मोटी हमारे दिमाग में है और पूरे हिंदुस्तान में कई बार इस बात की चर्चा हुई, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी कभी भी लोग एकत्रित होकर एक बयान नहीं दिए। लेकिन महागठबंधन के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ही पीएम फेस हैं और वो रोल मॉडल साबित होंगे। अरे महागठबंधन के लोग जल्दी से चक्कर में है कि हम यहाँ जो हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, आई जल्दी से जल्दी इनको हटाने के चक्कर में, ये जानते हैं कि यहाँ से हटे तो गए, ये प्रधानमंत्री क्या, ये कोई मंत्री नहीं बनेंगे इसके बाद, वो इस प्रयास में है। देखिए ये बता रहे हैं डिप्टी सीएम जो है, हमारे डिप्टी सीएम जी जो है अभी सुपर सीएम का रोल निभा रहे हैं और ये खुद ही घबराए हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे जनाधार को, जो जनाधार भाजपा की जो लगातार बढ़ती जा रही है और जो आप जो वादा खिलाफी कर रहे हैं और जनता उसको समझ चुकी है और लगातार जनता में आपका जनाधार खोते जा रहा है, तो इनको ये डर हो चुका है, पार्टी को डर हो चुकी है कि भाई आने वाला इलेक्शन हमारा जो है, हमारा सुपरा साफ हो जाएगा इलेक्शन में, इसलिए डरे हुए हैं और डर के इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आने दीजिए, क्या आपको दिक्कत क्या है? आपने पिछले बार हिंसा करवा के उनको रोकने का काम किया, तो ऐसा करवा के जो है आप जनता में जो भ्रम फैला के आप सोचते हैं कि हमारा जनाधार बचा रहे, नहीं बचेगा जनाधार। आप जान लीजिए, आपको काम करना होगा। आप हम तो कह रहे हैं कि शिक्षकों के हित में आपने जो बयान दिया, मैनिफेस्टो में लिखवाया ना भाई, कॉलम नंबर 12 में आप छपवा के हजारों हजार करोड़ों का संदेश दिया आपने कि भाई हम लागू करेंगे पहले कैबिनेट में। आप सुपर सीएम हैं, आप लागू कीजिए उसको, आपके बिना सरकार नहीं चल सकती है, सरकार तुरंत गिर जाएगी, आप कहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वादा खिलाफी करने वाले लोग अपना जनाधार खो चुके हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि आप जो है पब्लिक में अपना इमेज बनाने के लिए, अपना इमेज को बचाने के लिए आप जो है अपनी वादा पर कायम रहें और राजकर्मी का दर्जा जो हम मांग कर रहे हैं आपसे, ये शिक्षक समाज जो मांग कर रहे हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देकर एक संदेश दें कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। 12 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है पटना, ये पंछी एकता का ये बैठक होने वाला है, मुझे लगता है ये विपक्षी एकता का नहीं है। अब तो ऐसा लोग भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं जिनके पास, जिनको हमको लगता है कि गठबंधन में 15 सीट मिलेगा, तो 4-5 सीट जीतने की आशा भी रखते हैं यदि वो, हालांकि जीतेंगे नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो अब उसमें क्या कहेंगे हम? तो पंछी एकता बोले यानी कि बोले फिर आके उड़ जाएंगे। अरे आप समझ ही रहे, ये लोग जो है पहले भी कितना बार चर्चा हुआ, कितने बार लोग बैठे और सब अपना अपना उड़ गए अपने हिसाब से। ये सब जो है ये चलते रहेगा, लेकिन कहीं कोई एकता की बात नहीं है, विपक्षी एकता नहीं है, ये पंछी एकता है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।